प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबको को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में हैं और परमेश्वर के भवन में होना हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है तभी हम उसके भवन में हैं, तो प्रभु की हम महिमा करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा है कि पूरे देश में हम 75th जो है 75वां जो स्वतंत्रता दिवस भी हम मना रहे हैं, तो मैं पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस मेरी बात को सुनेंगे जो है या सुन रहे हैं, तो हम सेंट फ्रांसिस कलीसिया की तरफ से हम सब पूरे देश को अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, अपने मुख्यमंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, अपने सारे डायसिस के अगुओं को हम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। अपनी कलीसिया को हम एक दूसरे को हम बधाई देते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमारे देश पर बना रहे और हमारा देश है सारे गीत में कितने अच्छे से हमारी बहनों ने गीत गाया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस गीत के अंदर हैं, तो प्रभु वो सारी चीज़ें जिसमें शिष्टाचार, भाईचारा, आपसी मेलजोल, उन्नति जो है बढ़ोतरी देश की जो है उस गीत के माध्यम से बताया गया है, तो हमारा देश इसी तरह बढ़ता जाए, इसी तरह उन्नति करे, ये मेरी और हम सब की प्रार्थना है कि भारत देश एक महान देश प्रतिदिन बनता जाए और परमेश्वर की आशीष हमारे देश पर, हमारे सारे लोगों पर जो इस देश के अंदर रहते हैं, किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आशीष पाएं। तो इससे पहले कि मैं आज का वचन आपके सामने बांटूं, मैं चाहता हूं कि हम सब खड़े होकर एक छोटी प्रार्थना अपने देश के लिए हम सब करेंगे कि परमेश्वर, क्योंकि आज का जो विषय है वो प्रार्थना का ही विषय है, तो हम अपने देश के लिए थोड़ी देर जब सब मिलकर शांत रहेंगे और अपने देश की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए मौन रहकर जो है हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने देश के आशीषों के लिए, बढ़ोतरी के लिए और इसकी उन्नति के लिए हम मौन रहकर प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। धन्यवाद आप सबका। तो आज का जो वचन के हिस्से हमने पढ़े हैं, सुने हैं, हमने पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय पढ़ा 20 से 33 और वचन 116:1-9 हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना 15:13-21 हमने पढ़ा और लूका उसका 11वां अध्याय और 1 से 13 आज तक हमने पढ़ी और आज का जो थीम है लॉर्ड टीच अस टू प्रे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए है। तो प्रार्थना जो है एक मसीह के लिए कोई अनजानी वस्तु नहीं है या अनजान कोई अनजान चीज नहीं है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को जो है जब वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं तो हम उन्हें जय मसीह की बोलना, प्रार्थना करना बचपन से ही सिखाना शुरू करते हैं और फिर वो जब बड़े होते हैं हम उन्हें खाने की प्रेयर सिखाते हैं, हम उन्हें अलग अलग स्कूल में जब वो जाते हैं तो वो प्रेयर सीखते हैं, अगर वो मसीह स्कूल में है तो एक अलग बात है, अन्यथा वो है हमने अपने घरों में संडे स्कूल में जब आते हैं, यूथ में आते हैं, तो पूरी लाइफ जो है हमने प्रेयर करना सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं और फिर भी जो है जब तक हम जब हम पैदा होते हैं और जब मरने से पहले तक जो है प्रार्थना की जो कंटिन्यूटी है वो कभी रुकती नहीं है जी, प्रार्थना का कोई अंत भी नहीं है कि अब मैंने बहुत प्रार्थना कर ली है तो अब मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। प्रार्थना में जो है प्रति वर्ष प्रतिदिन हम कुछ नया सीख सकते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं तो, क्योंकि हर दिन एक नया नए चैलेंज लेकर आता है हमारे पास, तो प्रार्थना का जो विषय होते हैं वो भी नए नए प्रतिदिन हो सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रार्थना भी हर दिन नहीं है और प्रार्थना में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिदिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी जब यीशु मसीह के
साथ रहते थे, तो अक्सर वो यीशु मसीह को देखते थे कि यीशु मसीह कभी पहाड़ पर, कभी जंगल में, कभी एकांत में उनसे अलग होकर जो है वो लगातार प्रार्थना करते हैं। तो एक दिन चेलों ने कहा कि प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, हमें भी प्रार्थना करना सिखा जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बात को सुना और सुनकर जो है उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी प्रार्थना सिखाई थी? कौन सी? हे हमारे पिता। तो इसे क्या कहते हैं? इसे लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की प्रार्थना है। तो प्रभु की प्रार्थना इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये प्रभु ने ये प्रार्थना करना सिखाया है। तो कुछ लोग इसको नहीं करते हैं, उनके अपने वो से रीजन से देते हैं कि वो तो यीशु मसीह ने उस समय की थी, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो इस प्रार्थना को हम जरूर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई प्रार्थना है, या प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया है। तो ऐसी प्रार्थना जिसे खुद यीशु मसीह ने करना सिखाया है, क्यों ना हम उसे दिन रात उस प्रार्थना को करते रहे। तो इसलिए जो है आज हम थोड़ी देर मनन करेंगे जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, और प्रार्थना का जो महत्व है हमारी जिंदगी में उसके बारे में हम विचार करेंगे। जब हम लूका में जो दी गई प्रार्थना उसको पढ़ते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट वर्जन है, पूरे उसने एक दो लाइनें जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की है, जो कि मत्ती में कंप्लीट जो अगर छठे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उपवास के विषय में जब बातें बताई जो है और व्यवस्था के विषय में जब कंपेरिजन किया है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने छठे अध्याय में हम देखते हैं कि उसकी नौवीं आय से कि सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। तो ये प्रार्थना जो है निरंतर हम सीखते आए हैं, और हर दिन हम अपने चर्च में जब भी हमारी कोई भी आराधना होती है तो हम इस प्रार्थना को जो है हम बोलते हैं या इस प्रार्थना को करते हैं। तो इस प्रार्थना को जो करने के जो है वो दो तरह से हम इसे करते हैं। एक, क्योंकि ये एक रटा रटाई हमारे पास प्रार्थना, इसलिए हम फटाफट इसको बोल सकते हैं। एक जो है हम मन से इस प्रार्थना को करते हैं, जब हम इसको मन से करते हैं तो इसके अर्थ या इसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम इसे सिर्फ रेपिटेशन इसका करते हैं तो तब इसका महत्व या इसका अर्थ हमारी जिंदगी में नहीं होता जाए। तो सबसे पहला बात यह है कि जब परमेश्वर पूरी बाइबल को हम पढ़ते हैं तो एक चीज बार 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 बार, चाहे वो नया नियम हो, चाहे पुराना नियम, चाहे कोई भी बुक क्यों ना हो बाइबल की, उसमें प्रार्थना के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि हमें प्रार्थना, और ऐसे बड़े बड़े उदाहरण प्रार्थना के बाइबल में हमें दिए गए हैं कि जहां पर प्रार्थना करने से युद्ध जीते गए, प्रार्थना करने से समुद्र ने अपने रास्ता छोड़ दिया, प्रार्थना करने से चट्टान से पानी आ गया, प्रार्थना करने से परमेश्वर आग और खंभे के रूप में उनके साथ आ गया, प्रार्थना करने से जो है वो मन्ना उनके लिए आ गया जो है, प्रार्थना करने से शत्रुघ्न मेशक अब्दन को जैसे जो लोग थे जो विश्वास के साथ थे जो है वो जलने से बच गए, प्रार्थना से जो है शेरों के मुंह बंद हो गए, जब दानियल जो था वो शेरों के आगे डाल दिया गया तो उस दानियल की प्रार्थना से जो है वो शेरों के मुंह बंद हो गए, जो योना था वो मछली के पेट में था जब उसने प्रार्थना की तो मछली ने भी जो है उस योना को जो है पेट में से क्या कहते हैं उगल दिया। और ऐसे एक नए नियम में या पुराने नियम में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हमें प्रार्थना के महत्व को बताते हैं। तो प्रार्थना जो है उसका जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म है जो है वो है कि परमेश्वर से बातचीत करना है ना, जो प्रेयर है वो कम्युनिकेशन विद गॉड है, परमेश्वर के साथ जो है वार्तालाप करना है, बातचीत करना है, और प्रार्थना जो है परमेश्वर की आवाज को सुनना है और अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोलना है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के आराधना करना है, प्रार्थना जो है परमेश्वर के इच्छा को जानना है, प्रार्थना जो है वो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की महिमा में परिपूर्ण होता जाता है। इसलिए चाहे वो पौलुस हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह हो,
चाहे अन्य पत्रस या यूहन्ना हो, सबने प्रार्थना के ऊपर जोर दिया है। तो आज जो है प्रार्थना जो है मेरे और आपके लिए, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे विनती निवेदन करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। उसके वचन को सुनना भी जो है एक तरह से प्रार्थना भाव में हम होना है। उसके वचन को सुनना और पढ़ना जो है वो भी हमारी प्रार्थनाएं, क्योंकि भजन संहिता में बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो प्रार्थनाएं हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं तो वो हमें प्रार्थना के महत्व को, कैसे प्रार्थना करना है इस विषय के में हमें सिखाते हैं। तो जो प्रभु की प्रार्थना है या लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं, ये एक परफेक्ट प्रेयर का एक मॉडल कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात नहीं की है कि सिर्फ हम परमेश्वर की बातों परमेश्वर के बारे में बात नहीं किया या आत्मा के बारे में भी बात नहीं की, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले परमेश्वर को के को पुकारा है, एड्रेस किया है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसके बाद जो दैनिक चीजों के बारे में बताया कि रोज की रोटी हमें चाहिए, रिश्ते आपसी रिश्तों के बारे में बताया जिसके जैसे हमने एक दूसरे को क्षमा किया है तो भी हमें क्षमा कर जो है, और अंत में जो है सारी जो ये भी बताया कि जब इस संसार में हम रहते हैं तो हमें शैतान से बचा, परीक्षाओं से हमें बचा, और अंत में कहा गया कि सारी महिमा आदर पराक्रम जो किसका है वो परमेश्वर का ही है। तो ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हमारे आत्मिक पक्ष के लिए भी जरूरी है, आत्मिक जीवन के लिए भी जरूरी है, और हमारे दुनियावी रिश्ते नातों के लिए, हमारे दुनियावी जरूरतों के लिए भी ये एक परफेक्ट प्रेयर है। और इसी के आधार पर हम बाकी जितनी भी प्रेयर करते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो इस बात को प्रकट करता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सारी सृष्टि का मालिक है, लेकिन उसका जो परमानेंट जो वास स्थान है, निवास स्थान है, वो स्वर्ग में है, क्योंकि वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह भी जो आए थे वो स्वर्ग से ही आए थे, जब वो हमारे पास जो देहधारी होकर आए थे वो स्वर्ग से ही आए थे। तो स्वर्ग कहाँ है या स्वर्ग कौन सी जगह है? स्वर्ग वो जगह है जहाँ परमेश्वर का वास स्थान है, जहाँ उसके लाखों करोड़ों दूत जो है उसकी निरंतर आराधना करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स वहां बताई गई कि किस तरह फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को देखा जो मुझे वहां ले गया, और मैंने सिंहासन पर एक प्राचीन को देखा। तो ऐसे से अगर हम 7-8-9 अध्याय पढ़ेंगे या आगे जो है 18-19-20-21 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम पूरा एक विवरण देखते हैं प्रकाशित वाक्य में मुन्ना के द्वारा किस तरह से वो परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है। तो जो परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ स्वर्ग का ही परमेश्वर है, पृथ्वी से उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब वो स्वर्ग में रहता है लेकिन उसका ध्यान उसका मन जो है या वो पृथ्वी के पर हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका ध्यान और मन हमेशा लगा रहता है, उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं ना, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो हमारा पिता जो हमारा परमेश्वर है वो स्वर्ग में है, और इसलिए जो है जब भी हम पहला शब्द जो बोलते हैं पिता कहकर हम उसे पुकारते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो परमेश्वर है वो हमारा पिता भी है। क्योंकि अन्य जगहों पर या अन्य धर्म ग्रंथों में हम देखते हैं परमेश्वर को बहुत कम जो है बहुत ही एक आध जगह ही जब परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट किया गया है ना, सर्व सामर्थ्य महान और राजा ऐसे तो सब जगह प्रकट किया गया है, लेकिन पिता के रूप में यीशु मसीह ने उसको हमारे ऊपर प्रकट किया है। तो लिखा है कि हे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो उसका नाम हर जगह पवित्र माना जाना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए कि जैसे स्वर्ग में वो पवित्र है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हमें उसके नाम को पवित्र मानना है, उसके नाम को हमें व्यर्थ नहीं लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि तेरा राज्य आए है। वैसे तो परमेश्वर का राज्य सारी पृथ्वी पर है, लेकिन उसका राज्य आए उसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि उसका राज्य हर एक हृदय में आए है ना। परमेश्वर के राज्य की कोई सीमा नहीं है पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और बहुत सारे
ऐसे ग्रह हैं जिसको साइंस ने जो है वैज्ञानिकों ने खोज लिया है, और अभी भी ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो अभी भी जो है वैज्ञानिकों के हाथ में और की समझ में नहीं आई है। तो पृथ्वी जो है एक छोटा सा हिस्सा है। एक दिन एक फेसबुक पे पिक्चर शेयर हो रही थी, तो जो कि मंगल ग्रह से पृथ्वी की एक फोटो ले रखी थी जो है, और मंगल ग्रह से पृथ्वी जो है छोटे से डॉट की तरह जो है दिखाई देती है, बिल्कुल छोटा सा एक डॉट जो है, जैसे बड़ी सी किसी स्क्रीन पर एक छोटा सा पेन का डॉट लगा दिया जाए। तो यानी हम देखते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, लेकिन दूर से या मंगल ग्रह से देखने के ऊपर देखने से पृथ्वी छोटी सी पेन की डॉट है। तो इसलिए उसे लिखा है कि इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शायद यहाँ अपने आप के ऊपर घमंड करें, लेकिन दूसरे की नजरों से देखने से हम छोटी सी डॉट के समान है, वो एक अलग विषय। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा जो परमेश्वर है जिसके हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं कि तेरा राज्य आए, तो उसका राज्य लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम लोगों को प्रभु का वचन सुनाएं और उसका राज्य हर एक घर में हर एक हृदय में आए और लोग उसे अपना राजा स्वीकार करें। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। तो स्वर्ग में तो परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होती है ना, अगर वो किसी भी स्वर्गदूत को कोई भी आज्ञा देते हैं तो वो उसको एक एक क्षण में जो उसको पूरा करते हैं। लेकिन हम मनुष्य थोड़े हड्डी टाइप के हैं, हम स्वर्गदूतों से भी जो है कुछ बढ़कर अपने आप को सोचने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे 60 साल 70 साल जो है ये सिर्फ हमारे ही हैं, इस पर किसी परमेश्वर का या किसी व्यक्ति का जोर नहीं है। तो हम इसलिए जो है यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी होना चाहिए। ये एक प्रार्थना है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, और जब तक परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं किसी दूसरे को भी इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है, ताकि दूसरे लोग भी उसकी इच्छा को पूरा करें, और जैसे प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी हो जाएगा। फिर आगे लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह ये भी कहा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है, मत्ती 4:10-11 में अगर हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो संदर्भ था वो शैतान से बातचीत कर रहे थे, जो उसे लालच दे रहा था, उस समय कहा गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये जानते थे कि जिस मनुष्य को बनाया गया है उसको रोटी की जरूरत है, और रोटी के लिए जो है हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है कि हे परमेश्वर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर जो है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि हे परमेश्वर हमारे साल भर की रोटी हमें दिया कर जो है। अगर हम आजकल न्यूज देखते हैं तो बड़े बड़े जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ईडी जिन पे छापे मार गए हैं, तो किसी के पास 400 करोड़, किसी के पास 200 करोड़, और सारे 2000 के नोट जो है वो सारे निकल रहे हैं उनके घरों से जो है, बिस्तरों से, या उन्होंने तहखाने बना रखे हैं। तो लोग जो है वो अपने कई कई पुस्तों के लिए जो है, पीढ़ियों के लिए जो है, वो सोचते हैं कि ये धन हम जोड़कर चले जाएंगे, और अगले ही क्षण का पता नहीं है कि वो या उनका परिवार जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जहां हमें कई कई सालों के लिए जो है गलत तरीके से, अच्छे तरीके से तो कोई मना नहीं करता, लेकिन गलत तरीके से लोगों का पैसा जो है ठग के या चोरी करके, टैक्स चोरी करके जो है लोगों ने अपने घरों को भर रखा है, और जब छापे पड़ते हैं तो कितना सारा करोड़ों रुपया जो है वो निकलता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इस धन से वो आने वाली हजारों पीढ़ियों तक जो उनकी संतानें खाती रहेंगी, जबकि पता नहीं है कि वो खुद भी उस धन में से खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। तो हमारे दिन भर की रोटी के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है कि हमें आज की रोटी आज हमें मिलनी चाहिए, कल का हमें नहीं पता चले हम खाएंगे नहीं खाएंगे, खाने योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमें प्रभु ने कहा कि आज के लिए हम जरूर प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर आज की रोटी हमें दे। और जब हम प्रतिदिन ये बात कहें
कि आज की रोटी हमें दे, तो चाहे हम 100 साल जिए चाहे हम 200 साल जिए, आज की रोटी हमें हर रोज परमेश्वर देगा, यानी रोज की रोटी हमें रोज मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कल की या परसों की नहीं कहा, बल्कि कहा कि आज की रोटी मुझे हमें दे जाए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करना है। तो पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। अगर हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, ये भी लिखा है कि जब तू वेदी पर आए अपनी भेंट लेकर, और यदि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ कड़वाहट है, तो अपनी भेंट को वेदी पर छोड़ दे और जाके पहले अपने भाई से क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले, और फिर आकर अपनी भेंट को चढ़ाना, तब वो भेंट ग्रहण योग्य होगी। जो है तो मन में कड़वाहट के साथ, क्रोध के साथ, ईर्ष्या के साथ, घमंड के साथ जो भेंटें चढ़ाई जाती हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती। परमेश्वर सच्चे मन से, दीनता और नम्रता से क्षमा करने वाले लोगों की भेंटों को स्वीकार करता है। इसलिए कहा गया है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। तो ये एक बेस है, क्षमा मांगने का एक आधार है कि जैसे हमने किया है, हे प्रभु आप भी हम पर दया करें, जैसे हमने दया की है आप भी हम पर दया करेंगे। तो ये एक एक रीजन है परमेश्वर से क्षमा मांगने का कि प्रभु हमने भी किया है, कृपया करके आप हमें भी क्षमा कर दें। इसलिए जो है प्रतिदिन हमें ये प्रार्थना करनी है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि प्रतिदिन हमें दूसरे को क्षमा करना है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब पापी हैं, हम सब जो है गुनहगार हैं, और इसलिए हमें प्रतिदिन अपने पापों की क्षमा तो चाहिए, लेकिन दूसरों के पापों को हमें क्षमा करना है जो उन्होंने हमारे खिलाफ किए हैं। और जब हम क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर हम कुछ भी करें तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए फिर लिखा है कि और हमें परीक्षा में ना ला जाए। प्रतिदिन हजारों परीक्षाओं को हम फेस करते हैं, समस्याओं का हम सामना करते हैं, और कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पर हम परीक्षाओं को फेस नहीं करते हैं। हम प्रतिदिन अपने घर परिवार में परीक्षाएं अलग अलग कैटेगरी की हो सकती हैं, चाहे वो मन की परीक्षाएं हैं, चाहे हमारे आंखों की परीक्षाएं हैं, चाहे हमें लालच की परीक्षाएं हैं, चाहे पाप करने की परीक्षाएं हैं, चोरी की हैं, झूठ की हैं, धोखे की हैं, या तरह तरह की परीक्षाएं हमारे सामने प्रतिदिन आती हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आज हमें परीक्षा में ना ला ना। अगर हम प्रतिदिन ये प्रार्थना करें और प्रतिदिन प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, है ना। क्योंकि हम प्रतिदिन ये प्रार्थना करेंगे हे परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला ना। तो जब हम प्रार्थना, और परीक्षा का जो ग्रीक वर्ड है उसमें जो है कि हमें शैतान से छुड़ा जाए, शैतान से हमें बचा जाए। फिर लिखा है परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। जो है तो हमें शैतान से बचा, हमें बुराइयों से, परीक्षा से बचा, और हमें शैतान की शक्तियों से जो प्रतिदिन हमारे विरोध में काम करती हैं, उनसे प्रतिदिन हमें बचने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रार्थना जो है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम शैतान की शक्तियों से बचाए जाते हैं। और लास्ट में है कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। तो जो राज्य है, सारी सृष्टि का राज्य है परमेश्वर का है, सारा पराक्रम जो है वो परमेश्वर का है, और सारी महिमा सदा के लिए परमेश्वर की ही है। अगर परमेश्वर चाहे तो अभी वो आकर जो है सब कुछ, सबका न्याय कर सकते हैं और सब कुछ उधर उधर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, धीरज धरने वाला परमेश्वर है, और चाहता है कि हर एक पापी तौबा करके उसके पास आ जाए, इसलिए जो है वो इंतजार करता है। और फिर लास्ट में लिखा है कि आमीन, है ना। और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो जाए, है ना। जो कुछ हमने मांगा है, जो कुछ प्रार्थना की है, उसमें विश्वास होना जरूरी है कि हे परमेश्वर जो हमने मांगा है वैसा ही हो जाएगा। और आमीन शब्द हमें हमारे विश्वास को प्रकट करने के लिए ये वचन दिया गया है कि जो हम मांगे उस पर हम संदेह ना करें, बल्कि ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। तो प्रभु की जो प्रार्थना है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण है, इसके द्वारा हम
पिता से जुड़े रह सकते हैं, हम अपनी दुनियावी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने रिश्ते नातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमें शैतान से बचने की परीक्षाओं से बचने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम जो है सारी महिमा और सारा आदर परमेश्वर को देते हुए प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी है। तो जब हम फिर से लूका में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना करना बताया, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि तुम में से कौन ऐसा मित्र है कि जिसके जिसका कोई मित्र जो है आधी रात को पास आए, रात को आए, दरवाजा खटखटाए और कहे कि मेरे पास कुछ यात्री आ गए हैं, मुझे रोटी की आवश्यकता है और मुझे तुरंत रोटी चाहिए। तो फिर लिखा हुआ है कि वह भीतर से कोई उसका मित्र जो है उत्तर दे कि अब तो द्वार बंद कर दिया है, मेरे अपने बच्चों के साथ लेट गया हूँ, लाइट भी बंद कर दी है, अब मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। तो फिर लिखा है कि वो मित्र बार बार उससे मांगता रहे और वो इस कारण नहीं कि उसका मित्र है बल्कि इस कारण क्योंकि वो बार बार उसको जो है उससे मांग रहा है रोटी जो है, तो वो उठकर जो है उससे जितनी आवश्यकता है ना, जितनी भी चाहे 3 हो चाहे 6 की आवश्यकता है वो उठकर उसे देगा जो है। तो यहाँ पर प्रार्थना की जो नीड है या जो अर्जेंसी है जो है, अर्जेंसी ऑफ प्रेयर जो है, क्यों हमें प्रार्थना करना है उसके बारे में बताया गया कि हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण है बाइबल के अंदर कि हमें क्यों प्रार्थना करना है। कोई कह सकता है कि परमेश्वर जब मुझे रोटी दे ही रहा है तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, जब मेरी अच्छी जॉब है तो मुझे क्या जरूरत है, सैलरी आ रही है, अच्छा बिजनेस है, मेरे पास तो लाखों रुपए हैं, कई सालों के लिए मेरे पास बैंक में बैलेंस है जाए, तो मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, सब उसमें तो मुझे मिल ही नहीं है। तो इसलिए जो प्रार्थना की जरूरत क्यों है, क्योंकि कब परमेश्वर का आगमन हो जाए हमें नहीं पता चलता है ना। हम सोचे कि अभी परमेश्वर नहीं आ रहा, जैसे वो जो व्यक्ति जो था जो मांगने के लिए गया पड़ोस में, उसे नहीं पता था कि कोई यात्री उसके घर में आ जाएगा अचानक से जाए। वो अपना रोटी जो थी उसके पास उसने खत्म कर दी थी और उसको शायद जरूरत भी नहीं थी रखने की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई आ सकता है जाए। तो हमारे पास जो है, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर कब हमारे पास आ जाएगा। और प्रार्थना हम उधार किसी से नहीं ले सकते, आत्मिक जीवन किसी से उधारी लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना हमेशा करते रहना। तो प्रार्थना करने के कारण क्या है, क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि शैतान हमें प्रतिदिन फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है ना। अगर हम पहला पत्रस 5:8 पढ़ें तो वहां पर साफ लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस साथ में रहता है कि किसको फाड़ खाए, इसलिए प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना क्यों करें, क्योंकि हमें हम एक आत्मिक युद्ध में है। 6:10-18 में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सिद्ध नहीं, हम सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत है परीक्षाओं का सामना करने के लिए। जैसा मैंने बताया कि हम प्रतिदिन पाप में परीक्षाओं में पढ़ते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना ही जीवन एक पाप है, प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। अगर हम मसीह हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमें पता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हम प्रार्थना नहीं करते हैं, वो पाप प्रार्थना ना करना। बेशक हमने कोई दूसरा गलत काम नहीं करते, लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। 1 शमूएल 12:23 के अनुसार प्रार्थना ना करना परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है, क्योंकि बाइबल बार बार कहती है कि प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने का जो मॉडल दिया है, जिसे इसके ऊपर हमने भी चर्चा की है, उस प्रार्थना के मॉडल को हमें फॉलो करना है। अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। हम जिस भी चीज में उन्नति करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस हमें बार बार करनी पड़ेगी। अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है तो उसे कैशियो सीखने के लिए, ड्रम सीखने के लिए, उसे अन्य कोई भी गिटार या अन्य कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। और अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तभी वो परफेक्ट हो सकते हैं। उसी तरह प्रार्थना भी एक प्रैक्टिस है, जितना हम इसे करेंगे उतना हमारा आत्मिक जीवन उन्नति करेगा। और आत्मिक जीवन जो है वो एक दिन में पाके
खत्म नहीं होता है। जैसे कि हमने भी कल हम आत्मिक जीवन पाया, कल ही हमारा वो खत्म हो गया। आत्मिक जीवन की दौड़ निरंतर दौड़ी जाती है और उसके लिए प्रार्थना एक हथियार है जिससे हम अपने आत्मिक जीवन को उन्नत या मजबूत कर सकते हैं। और अपने प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर और अपने लिए और परमेश्वर और अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ के रूप में हमें परमेश्वर ने बनाया है ताकि हमारी प्रार्थनाएं जो दूसरों के लिए भी हो सके। और पौलुस बार बार कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना किया करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 18 21 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। फिर आगे लिखा है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों पहले 3 अध्याय कहता है कि हम निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। तो ये प्रार्थना है तो ये हमारे तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं शाम को जो है, तो हम ना केवल सिर्फ अपने, अगर हम 4 लोग हैं तो क्या सिर्फ अपने 4 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं जो है, हम अपने सब जानने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जितना हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें, चाहे हम फैमिली प्रेयर करें, चाहे हम कलीसिया में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम हमारे लिए करता है। और इसलिए जो है हमें अपने घर से प्रार्थना को शुरू करना है। अगर हम फैमिली प्रेयर नहीं करते हैं तो कई बार हम भी झुक जाते हैं और कई बार आप भी झुक जाते हैं, तो हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आज की प्रार्थनाएं जो है कैसे आपको आने वाले कल की मुसीबतों से बचा सकती हैं। अगर आप सोचोगे अरे सब सही तो चल रहा है, प्रार्थना की क्या जरूरत है, है ना। आप ऐसे कई विपत्ति में पड़ सकते हो जिसके लिए आपने प्रार्थना नहीं की है। और जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, वो आपके और आपके परिवार के चारों तरफ से अपना डेरा लगाते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो तो परमेश्वर भी कहता है कि जब इसे अपने ऊपर भरोसा है तो इसको अपने आप चलने दो, और हमारी बुद्धि हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है। शैतान हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो हमें परीक्षा में डाल सकता है, हमारा नुकसान कर सकता है, हमें बहका सकता है, लेकिन जब हम पहले से ही जो है प्रार्थना करते हैं तो पहले ही परमेश्वर हमारे रास्ते को क्या कर देता है, समतर कर देता है। हम सब पापी हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को के ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए तो कई बार पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन एक एंटीसिपेटरी बेल होती है, है ना, ताकि उसको पकड़ने से पहले जो है वो उसे बेल मिल सकती है। हम सब पापी हैं, दंड तो हमें मिल सकता है। अगर हम प्रतिदिन कितने गुनाह करते हैं उसका हिसाब अगर कल ही हो जाए तो हम कल ही समाप्त हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है, है ना, वो परमेश्वर के आगे हर दिन हमारी बेल लगा देता है कि नहीं इसे अभी और जो है छोड़ दो। लेकिन वो बेल कब लगेगी, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब हम अंतिम न्याय परमेश्वर के सामने खड़े होने से पहले हमारा जो वकील है उससे अगर हम मेल मिलाप कर लेंगे तो वो हमारी तरफ से क्या करेगा, मुकदमा लड़ेगा। और वो हमारे लिए मुकदमा क्यों लड़ेगा, जब उससे निवेदन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। और इसलिए जो है प्रार्थना, एक मध्यस्थता की प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ना केवल हमें आशीष मिलती है बल्कि हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलती है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ें, जो अब्राहम था उसका जो भतीजा था लूत जो है वो सदोम और अमोरा के अंदर था, जहां पर बहुत पाप था, बड़े घिनौने घिनौने काम वहां पर हो रहे थे, और परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की और देखा कि इसमें से एक भी व्यक्ति जिंदा रहने के योग्य नहीं है जय। तब परमेश्वर ने अपने दूतों को अब्राहम के पास भेजा। पहले तो परमेश्वर सारा और अब्राहम को उन्होंने आशीष दी कि तुम्हारे अगले साल जब तुम्हारे घर में एक बेटा होगा। उसके बाद जब वो जाने लगे तो परमेश्वर ने कहा कि क्या मैं अब्राहम से इस बात को छिपाए रखूं, तो अब्राहम कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला हूं। जब उसने परमेश्वर ने अब्राहम को बताया तो वो दूत चले गए, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे परमेश्वर, क्या तू धर्मी के साथ दुष्टों के साथ धर्मी को भी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। तब उसने कहा कि मैं योग्य तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे मांगता हूं कि अगर 50 वहां पर होंगे तो क्या तूने छोड़ देगा, है ना। परमेश्वर ने कहा कि चल 50 ढूंढ ले, अगर वहां पर 50 होंगे तो क्या कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो 50 वहां पर नहीं थे। क्या 45 होंगे, तो परमेश्वर ने कहा छोड़ दूंगा। 40 होंगे, छोड़ दूंगा। 30 होंगे, छोड़ दूंगा। 20 होंगे, छोड़ दूंगा। 10 होंगे। अब्राहम ने बार बार ये प्रार्थना की कि
छोड़ दोगे? परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं दस के कारण भी छोड़ दूंगा, लेकिन वहां पर दस भी नहीं थे, सिर्फ लूत और उसका घराना, यानी लूत और उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियों का वहां पर वर्णन है। लूत को छोड़कर वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस दंड से बचा सकता है, उस सदोम और अमोरा को है। तो हमें इस पापी संसार में अब्राहम जैसे लोग चाहिए जो हमारे लिए क्या करें, निरंतर प्रार्थना करें। हमें लूत जैसे लोग चाहिए जो अपने उस ऐसे नष्ट होने वाले जगहों को या नष्ट होने वाले नगरों को अपनी प्रार्थनाओं, अपनी धार्मिकता के द्वारा बचा सके जाए। अगर लूत भी वहां पर लूत जब वहां से निकल गया स्वर्गदूतों ने उसको वहां से आज्ञा दी निकलने के लिए, तो वो सदोम और अमोरा क्या हो गया आग और गंधक उसके ऊपर आई और सदोम और अमोरा क्या हो गया, नष्ट हो गया। उसी तरह यदि प्रार्थना करने वाले लोग हमारे बीच में ना हो, हमारे घर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना हो, तो हमारा घर भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। वैसे आप आग और गंधक नहीं आएंगे, जैसे कि आपके ऊपर कोई अलग बोला फेंकेंगे और वो आपका घर जो है हमारा जो है वो जल जाए, नहीं। आत्मिक रीति से, पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से आपसी मेल जोल जो है खत्म हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, विरोधाभास शुरू हो जाएगा, हमारे बच्चे गलत रास्तों पर चले जाएंगे, हमारी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई नष्ट हो जाएगी, हमारे जो हमारे बिजनेस, हमारे काम काज जो है वो नष्ट हो जाएंगे यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है अब्राहम जो था वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था कि हे परमेश्वर मुझे बचा। अब्राहम किसके लिए प्रार्थना कर रहा था, ऐसे लोगों के लिए जो पाप में पड़े हुए थे, ऐसे लोगों के लिए जो आग और गंधक के योग्य थे, उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर अगर वहां 50 भी होंगे तो क्या उन्हें तो बचा सकता है, लेकिन वहां पर सिर्फ लूत मिला। और लूत लिखा आगे जो है उसके आखिरी जो आयते हैं उसकी अध्याय की 18वीं अध्याय की लिखा है कि लूत के अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत को क्या कर दिया, बचा लिया अब्राहम के कारण, है ना। तो लूत जो था उसकी पूरा अगर आप पढ़ोगे तो आप उसको देख सकते हो कि पहले वो खुद ही अलग हुआ था जो है लड़ झगड़ के, लेकिन आज भी अब्राहम लूत के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लूत ने अब्राहम की कभी वैल्यू नहीं जानी। अक्सर जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं उनकी वैल्यू आप नहीं करते हो, जो कुछ देता है पैसा कुछ देता हो फिर तो बहुत वैल्यू है उसकी, लेकिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की वैल्यू आप बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। प्रार्थना को काम ही है, प्रार्थना करना क्या हो गया, मेरे पापा ने मेरे लिए प्रार्थना की तो क्या बड़ा काम कर दिया है, मेरे दादा ने प्रार्थना कर दी तो क्या बड़ा काम कर दिया, दादी ने कर दिया, रोज वो करती है हमारे लिए, कौन सा बड़ा काम कर दिया। आपको नहीं पता कि जब आपके पास्टर, आपके बुजुर्ग, आपके भाई बहन, आपके कलीसिया के लोग जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके चारों तरफ लगाता है, है ना। लेकिन कई बार प्रार्थना करने वाले घर में जो लोग होते हैं लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, छोड़ो प्रार्थना क्या, प्रार्थना प्रार्थना करते रहते होते हैं। इसलिए जो है प्रार्थना एक सामर्थ है, एक ऐसी सामर्थ है जो विदाउट लिमिट है, विदाउट एनी बाउंड्रीज है। प्रार्थना की कोई बाउंड्रीज नहीं है कि वो चर्च के अंदर तक ही रहेगी, है ना। इसलिए जो है प्रार्थना करना हमारे लिए कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन सही रास्ते पर नहीं है। यदि हम आप अपने घर में प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आपका परिवार अच्छे रास्ते पर नहीं है। बाकी आप कुछ भी करो वो आपके बाहरी जीवन को दिखाता है, लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ है वो जब परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं है तो वो कोई भी फल लेकर नहीं आ सकती है। अगर हम कमरे में जो हमारे ट्यूबलाइट चल रही है, फैन चल रहे हैं, अगर आईजीपी जाके स्विच ऑफ कर दें तो क्या हो जाएगा, एमसी गिरा दे जाए क्या हो जाएगा है? फिर हम कितने बार उसको स्विच को ऑन करें, ऑफ करें, ऑन करें, ऑफ करें, क्या लाइट आएगी आगे? क्यों? क्योंकि वो एमसी जहां पे
हमारा मेन जो है मीटर है, मीटर से जो करंट आ रहा है वहां से जुड़ा हुआ है। तो हमारे परमेश्वर से जब तक आप जुड़े हुए नहीं है, अपने जीवन को आप कितना ही जो है दिखा लें, प्रेजेंट कर लें कि हम ये हैं, हम वो हैं, चाहे कितना ही उसको कुछ भी कर लें जो है, लेकिन जब आत्मिक रीति से हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है तो हमारे जीवन में फल नहीं आ सकते। इसलिए जो है हमें निरंतर प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। चलते फिरते उठते बैठते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। जिनके पास समय है बहुत अच्छी बात है कि आपके पास समय है। यदि आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है तो आप चलते हुए प्रार्थना कर सकते हो, घर में काम करते हुए आप प्रार्थना कर सकते हो, आप बर्तन मांजते, खाना बनाते, सब्जी काटते, अपने जॉब करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, अपने कार चलाते हुए आप प्रार्थना कर सकते हो। इसलिए बाइबल में कहा कि हर समय और हर घड़ी प्रार्थना करते रहो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी है और हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। और जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं अगर हम उनका निरादर करते हैं, लूत जो है हमेशा अब्राहम से लड़ा झगड़ा और अलग हो गया, लेकिन अंत में अब्राहम की प्रार्थनाओं से ही जो है उसे आशीष मिली। यूसुफ जो कि एक धर्मी व्यक्ति था उसके कारण पूरा मिस्र जो है वो बचाया गया था उस अकाल के अंदर, है ना, क्योंकि वो अकेला यूसुफ परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। आज अपने घर में आप अकेले व्यक्ति हो तो प्रार्थना करने वाले हो, आप अपने घर का उद्धार करा सकते हो। आज कलीसिया में जो है अगर आप एक एक मेंबर जो है घर का, अगर पांच में से एक मेंबर भी प्रार्थना करने वाला है, अगर 50-100 परिवार है तो 100 लोग प्रार्थना करने वाला यहाँ पर हो गए, तो सोचिए कि इस कलीसिया का रूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, परमेश्वर यहाँ पर बड़े बड़े काम करेगा, लोग जो है इस कलीसिया के द्वारा आशीषित होंगे और ब्लेस होंगे, और जहां जाएंगे वो इस कलीसिया का नाम लेंगे कि हाँ हम मसीह कलीसिया या सेंट फ्रांसिस कलीसिया का हिस्सा है। तो ये मेरे और आपके ऊपर ड्यूटी है कि हम कितना प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इसलिए जो है हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि हम प्रार्थना करेंगे या नहीं करेंगे। हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और कहेंगे कोई बात नहीं, प्रभु है हमारे साथ, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है ना। अभी आपके हाथ में है, क्योंकि ना आप मेरे घर में आके मुझे प्रार्थना करना सिखा सकते हो, ना मैं आपके घर में आके आपको प्रार्थना करने के लिए कंपेल कर सकता हूँ। ये आप हो जो दीन और नम्र होकर परमेश्वर से कह सकते हो कि हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। जैसे चेलों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, आज आपकी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए, मेरी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा जाए, क्योंकि हम सबों को प्रार्थना की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो आत्मिक रीति से मृतक हो जाते हैं, है ना। जिस पौधे को हम पानी देना बंद करते हैं, कर देते हैं, वो पौधा क्या हो जाता है ना, थोड़े शाम को अगर हमने पानी दिया और वो पूरा हरा भरा है, फूल अच्छे अच्छे लगे हैं, लेकिन अगले दिन अगर हमने उसमें पानी नहीं दिया तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, आजकल जो है मुरझा जाएगा गर्मी में। फिर अगले दिन हमने नहीं दिया और मुरझा जाएगा, फिर अगले दिन हमने उसे पानी नहीं दिया, पूरी तरह क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे या जब पानी देंगे तो वो दोबारा से हरा हो जाएगा। पिछले गर्मियों में हम जब गाँव में गए हुए थे तो हमारे ऊपर छत पे कुछ बेलें हैं, कुछ फूल पौधे लगाए हुए हैं, तो एक बेल जो है बड़े अच्छे फूलों की है वो सूख गई है, क्योंकि बीच में जब से पानी नहीं मिला। तो जब मैं वापस आया, क्योंकि मैं सैटरडे को आ जाता था, तो आते ही जब मैंने उसे पानी दिया तो उसकी जड़ थोड़ी सी हरी थी, जरा सी उसमें हरे थे, लेकिन पत्ते पूरी तरह उसके सूख गए थे। लेकिन आते ही मैंने उसको पानी दिया, सुबह उठते फिर पानी दिया, फिर अगले दिन फिर पानी दिया, तो आज वो बेल फिर से हरी भरी है और वो उस बेल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। यदि प्रार्थना नहीं है तो आप 2-4 दिन में उस बेल की तरह मुरझा जाओगे। यदि प्रार्थना है तो आपका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा, फलवंत होगा, आप फूलोगे, फलोगे, बढ़ोगे और लोग देखेंगे कि अरे ये क्या है, इनकी जड़ कहाँ लगी हुई है, ये दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां आपने, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बुजुर्ग हो,
जीवन एक बेल की तरह, एक सुंदर बेल की तरह मुरझाना शुरू हो जाएगा और वो बेल थोड़े दिनों में उसे खींचेंगे, शैतान उसे खींचेगा और फेंक देगा कूड़े के अंदर, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना। इसलिए हम जब चर्च में आते हैं तो हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए कि हम प्रार्थना के भाव में यहाँ आए, प्रार्थना में रहें, प्रार्थना करें, गीत गाएं, आराधना करें, स्तुति करें और आत्मिक रीति से तृप्त होकर यहाँ से जाएं। जब हम यहाँ पर आए तो हमारा एक जो है वो प्रभु से अपने आप को जोड़ने का होना चाहिए। लोगों से तो हम जुड़ते हैं, बहुत सारे हमारे पास माध्यम है, लेकिन सबसे पहला जो चर्च आने का कारण है कि हमें अपने परमेश्वर से जुड़ना है। और जब तक हमारे मन की भूमि तैयार नहीं होगी तब तक आप जो है कितने ही अच्छे सर्वन आप सुन लो, कितना ही आप अच्छा गीत गा लो, कितने अच्छा म्यूजिक आप बजा लो, जब तक आप मन आपका मेरा तैयार नहीं है तो परमेश्वर से हम जुड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने मन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके परमेश्वर के भवन में आए ताकि हम सब जो है परमेश्वर से जुड़ जाएं। और जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा होता है परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है ना। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास होगा तो आप जहां जाओगे, जहां रहोगे, आपके साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। और जिन लोगों के आप संपर्क में आओगे उन लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह आपके माध्यम से जाएगा, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है कि हम प्रार्थना करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष बरकत दे। आप सबके अंदर एक आत्मिक पौधा है, उस पौधे को हमेशा ज्वलंत रखने के लिए, उसे हमेशा हरा भरा रखने के लिए प्रार्थना रूपी जो पानी है जो है उसको हमेशा देते रहना जरूरी है। आइए प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता निर्भरता के साथ आपके चरणों में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। पिता, हजारों करोड़ों लोग हैं जो अभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आपका नाम नहीं पता है। प्रभु दया कर कि कलीसिया एक प्रार्थना से भरी हुई कलीसिया हो, प्रार्थना की सामर्थ से भरी हुई कलीसिया हो। और पिता, बहुत सारे लोग इस कलीसिया के द्वारा आशीष पाए। हम सब जो इस कलीसिया के सदस्य हैं हम आशीष पाए एक दूसरे की प्रार्थनाओं के द्वारा और एक दूसरे को हम आशीषित करें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। ऐसा हमें बना कि हम सब मिलजुल कर आपकी सेवा करें। प्रार्थना उद्धार करता यीशु क्रिस्त आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।